गाइस अगर आप फ्रॉन्स ले रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सभी लोगों की सभी कस्टमर की डिमांड बहुत ज़्यादा अराइज हो गई है फ्रॉन्स को लेने के लिए, जो कि अभी स्टार्टिंग में इनका प्राइस डिक्लेयर नहीं किया गया है इस कार का, बट एक्चुअली इस कार की जो फीचर्स और फैसिलिटी है और डिज़ाइनिंग वो कुछ ऐसी लोगों को भा रही है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो उम्मीद है मुझे कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आज हम बात करते हैं इस कार की फोनेक्स की कि इसकी कौन सी ऐसी खासियत है जिसकी वजह से इसको लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जानिए, सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाता हूं, जो इसका व्हील देख रहे हैं ये ज्योमेट्रिक अलॉय व्हील है, जो कि काफी अच्छा एक डिजाइनिंग पैटर्न लुक देता है, जो कि नया मार्केट में देखने मिल रहा है। जनरली हमने देखा है कि डायमंड कट देखा है, तो बट इसमें डायमंड कट के साथ इन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से व्हील को भी डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो LED DRLS है इसका, वो बहुत ही अच्छा फाइन क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन तरह से यहाँ पे अपने को एक तरह का फ्रंट लुकिंग यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। और काफ़ी इसका अगर आप शोल्डर देखेंगे, बम्पर सामने का देखेंगे, तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी तरह से ये इसको डिज़ाइन कर दिया गया है, कि ताकि जो का शोल्डर है थोड़ा सा हार्डली दिख रहा है कि काफी अच्छा है यहाँ पे अपने को देखने मिल रहा है। और सेकंड चीज अगर हम इसकी बात करें तो इसका रूफ भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि काफी अच्छा डिजाइनिंग अपने को यहाँ पे पैटर्न शो हो रहा है। थर्ड चीज अगर हम देखें इसकी हुड की बात करें, तो हुड में अगर आप देखेंगे तो एकदम साइलेंटली, एकदम स्ट्रेट भी नहीं है और साइलेंटली भी नहीं है, इसको बड़े अच्छे डिग्री में इसको डिजाइन किया गया ताकि एक तरह का बहुत अच्छी तरह का शार्क डिजाइनिंग का यहाँ पे लुक शो हो रहा है। सेकेंड चीज़ अगर इसकी हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट इसमें काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है, जो कि LED यहाँ पे DRLS तरह से डिज़ाइनिंग पूरी यहाँ पे मेंशन की गई है। सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें इसकी बैक की, तो बैक में जो इसकी बैक लाइट है वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, क्योंकि जो बैक लाइट होती है ये जब राइट हैंड लेफ्ट साइड जब ये ग्लो होती है तो उतना बेटर नहीं लगता, जब अगर ये एक साथ सबकी सब ग्लो होती हैं, क्योंकि इसकी जो बीच की लाइन है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर दी गई है दोनों तरफ की हेडलाइट से, तो ये काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पर शो होता है। इसमें अगर हम स्पेस देखें तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो 360 डिग्री का इसमें अपना कैमरा मिल जाता है, सेफ्टी की देखें तो 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो ये मार्केट में ऐसी कार और इतने कम प्राइस में एटलीस्ट 8, 9, 10 के अप्रॉक्स ये आने वाली है, तो बहुत ही अच्छा एक बुलेनो से अगर कहें तो ऊपर और ग्रैंड विटारा से तो नीचे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के एक्चुअली मिलाकर दोनों के बीच का जो एक यहाँ पे रास्ता निकाला गया है वो है अपने फ्रॉन्स, और ये काफ़ी अच्छी कार होने वाली है। तो उम्मीद है मुझे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कार को लेने के लिए तो बिल्कुल भी झिझक मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट कार है और आप इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे इस वीडियो में आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हम मिलते हैं।